हाय, गीताशा गाइडलाइंस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे क्लासिक ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन स्नैक्स रेसिपी। इसे सीखें और वीडियो प्लीज आखिर तक देखें। नॉर्मली ये रेसिपी स्टीम किया जाता है और उसके बाद इसके पीसेस को डीप फ्राई किया जाता है, लेकिन आज हम एक ट्विस्ट करेंगे। हम बनाएंगे ग्रिल्ड कोथमीर वड़ी। चलो शुरू करते हैं। पहले हम 4 टेबलस्पून मूंगफली लेंगे, उसे रोस्ट करेंगे और क्रश करेंगे। एक बड़े बाउल में हम धनिया लेंगे बड़ी जोड़ी और उसे बारीक काट के डालेंगे। उसमें मैंने अभी मिलाया है 1 कप बेसन। नमक डालेंगे हम स्वाद के अनुसार। इसमें हमें रेड चिली पाउडर डालना है। आपके स्वाद के अनुसार आप इसे कम या ज़्यादा डाल सकते हो। अभी मैं 2 टीस्पून डाल रही हूँ। आधा टी स्पून मैं हल्दी डालूंगी और इसमें पीसा हुआ पीनट भी हम मिला देंगे। ऑप्शनल है, आप सोडा डाल सकते हो, गरम मसाला या तिल भी डाल सकते हो। इसमें अभी हम ऐड करेंगे चावल का आटा 3 टेबलस्पून। जिन लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्लेवर के लिए हमें टेम्परिंग करना है। इसके लिए 2 टेबलस्पून तेल गरम करेंगे और उसमें ऐड करेंगे हम 2 टीस्पून राई। थोड़े से करी पत्ता भी हम ऐड करेंगे टेस्ट के लिए। मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से सौत करना है। इसमें हमें ऐड करना है जिंजर गार्लिक पेस्ट। 1 टेबलस्पून हम डाल सकते हैं या आपके स्वाद के अनुसार। अच्छे से इसे थोड़ा सा सौत करें और उसमें मैंने अभी ऐड किया है 1/2 टीस्पून हींग। ये जो हमारा वगार है इसे हम ऐड करेंगे हमारे बैटर में। बैटर में हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है और इसमें हमें लम्प्स नहीं हो उसका ध्यान रखना है। अगर आपको आगे के नोटिफिकेशंस चाहिए इस चैनल के, प्लीज़ बेल बटन प्रेस करना ना भूलें। इसे मिक्स करते जाएंगे और बैटर तैयार करते जाएंगे। बहुत अच्छा बैटर तैयार हो जाएगा, थिक बैटर। सो आप मिक्स करते जाओगे। हमारे थिक बैटर में थोड़ा और पानी डाल के सेमी थिक करेंगे। पोरिंग कंसिस्टेंसी का हमारा बैटर रेडी करना है। आप अभी देख सकते हो हमारा बैटर रेडी हो गया है। ये है हमारा आईवी बॉक्स का बढ़िया अफोर्डेबल ग्रिल पैन। इसे हम ग्रीस करके मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। हमारे बैटर को पोर करेंगे ये तवे पे जिसे हमने ग्रीस किया है। इसे हम स्टीम भी देंगे क्योंकि हम इसे कवर कर देंगे और नीचे की तरफ ग्रीस किया है, उस वजह से परफेक्ट लवली क्रिस्पी गोल्डन बन जाएंगे। और दोनों तरफ से हमें इसे पकाना है, तो पहले हमें इसे एक तरफ से कवर करके स्टीम करेंगे। आप देख सकते हो हम इस लिड को निकालेंगे, ये स्टीम भी हो चुका है और नीचे से आप देखें ये गोल्डन ब्राउन भी हो चुका है। इसे हम टर्न कर देंगे और वापस से कवर करेंगे और इसे पकाएंगे। तो लीजिए, ग्रिल पैन में हमारी कोथिंबीर वड़ी रेडी हो गई है। अगर आपको ये ग्रिल पैन परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसकी बाइंग लिंक दी है। ये रेसिपी हमें सर्व करना है ग्रीन चटनी, गार्लिक चिली चटनी या टमाटो सॉस के साथ। ये टेस्टी यम्मी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। बाय, टेक केयर।